संगीत गीत के का बाजोड़, जहां मुकाबला होला चौकी तोड़, पूर्वी छप रहिया कानवान आला लड़की पापट के सान में गावेला जहां बिरहा दंगल, बिरहा दंगल। बहुत बहुत रुआ सबके स्वागत कर रहल बानी महुआ चैनल के कार्यक्रम जौना का नाम बा क्या बा सिपाही के बा चोर केकरा में बा कितना जर आपन माटी आपन बल रुआ देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। रुआ सब खातिर आप लोगन खातिर इजाजत रुआ सब दई तो हम कुछ कहल चाहतनी। गरिया तोहरा होठ के लाली सोहे नथुनी कान में बाली, लाली बिंदिया से निदिया हराम हो गईल, लाली बिंदिया से निदिया हराम हो गईल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गईल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गईल। तैया होइए गईनी घायल तोहरा देख के भैनी पागल, तैया होइए गईनी घायल तोहके देख के भैनी पागल, तोहरी बहिया में नहिया नीलाम हो गईल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गईल, रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गईल। आवा तब कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाई, ऐसे पहले रउआ सबके ले चलतानी अपना जज साहब लोगन का दीदार कराई। एक तरफ बा बागी घराना, दूसरे तरफ बा विद्रोही घराना। बागी घराना का सरदार परशुराम यादव जी, छाती में धधकते आगी हा, हमारी है घराना बागी हा। चलतानी विद्रोही घराना के तरफ, विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान, फक्र से छाती चौड़ी करके बैठल मानी हमनी के आगे सुरेंद्र यादव जी। जब दुश्मन आगे बढ़ जालम ई हमार विद्रोही घराना चढ़ जाला। हाई देखी हाई देखी, एक तरफ बागी घराना परशुराम यादव जी, दूसरे तरफ विद्रोही घराना सुरेंद्र यादव जी, बीच में निष्पक्ष जज के कुर्सी पर विराजमान बानी प्यारे लाल कवि जी। हम प्रणाम करतानी बिरहा दंगल के देखे वाला श्रोता भाई लोग के। हम देरी ना करब, ज्यादा ना बोलब, कहे कि रुआ सबके बेकरारी बढ़ रहा होगी। ऐसे सबसे पहले हम विद्रोही घराना के सरदार सुरेंद्र यादव जी से पूछल चाहतानी कि आपके विद्रोही घराना से ये मंच पर आके और अपन जज्बा पेश करे खातिर के रुआ भेज रहा बानी, के आवता बताई। हमारी विद्रोही घराना से आज ये जंग मैदान में आर पार के फैसला करे वाला जाबाज सिपाही बहादुर डॉक्टर मन्नू यादव जी। मन्नू लाल यादव जी बहुत बहुत स्वागत बा। बागी घराना से पूछबू। अरे पूछे तनी, तब बागी घराना के सरदार से हम पूछल चाहत बानी परशुराम यादव जी रउआ केकरा के भेजन। बागी घराना के ओर से डॉक्टर मन्नू जी के जवाब में महिला कलाकार सरोज सरगम जी के। सरोज सरगम क्या बात बा। सरोज सरगम जी आई आई राउर बहुत बहुत स्वागत बा। एक तरफ विद्रोही घराना, दूसरे तरफ बागी घराना, दोनों कलाकार लोग मंच में बा। अच्छा एगो बात हम बीच में रोक के पूछल चाहत नहीं, रवा सब थीम जानत तनी नहीं जानत का गावे के बा पता नहीं खे। हम पूछल चाहत नहीं कभी जी रवा बताई कहा गावे के बा। ये लोग के करोड़ रस गावे के है। अब ये जल्दी बता भेल जा रुआ कभी जी कि दोनों जाने में से के गाई पहले। पहले के गाई आज साँच साँच बताई है कंप्यूटर महाराज। सरोज सरगम
एकरे पहले हमनी के ले स्वागत बा महुआ चैनल के वो कार्यक्रम में जोने कार्यक्रम का नाम बा क्या बा सिपाही क्या बा चोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रउआ देख रहल बानी बिहार दंगल टू बहे के पुरवा रहल बही गईली पछिमा मर सजना बही गईली शीतल बयाल मर बला मुआ बही गईली शीतल बया समा जब है जलती तो परवाने जलते हो के मद होश अपनी रवानी के आगे होती जवानी न बस में किसी को खुदा भी झुका है जवानी के आगे एक गजल वा मास्टर अरे मोहब्बत करने वाले भी काम होते हैं कि मोहब्बत करने वाले भी काम होते हैं मोहब्बत में ही कदम रखते फट बदनाम होते हैं अरे गोरिया तुम्हारी अखिया अरे गोरिया तुम्हारी अखिया है लूटी कहीं गई है गोरिया तुम्हारी अरे बुद्धि सगा न होगी अरे बुद्धि सगा न होगी है बल भी सगा न होगा बुद्धि सगा न होगी बुद्धि सगा न होगी बुद्धि सगा न होगी अरे बल भी सगा न हो होनी के आगे भाई होनी के आगे भाई है छल भी सगा न होगा होनी ए बाबू बतिया के थोड़ा समझ ले राजा चंद्रसेन चंदनपुर का रहे वाला उनकर रानी विद्यावती देवी ए बाबू दोनों राजा रानी के बीच में दू गो लड़का रहलन बड़े लड़का का नाम किशन छोटे लड़का का नाम कन्हैया धीरे धीरे समय बीतत गल रानी विद्यावती देवी का तबीयत गड़बड़ हो गई एक दिन अपने राजा चंद्रसेन से प्यार से कहलन कि राजा हमार तो तबीयत गड़बड़ बा हम मर जाइब तो अपन लहुरी रानी मत ले हा अपने कर्तव्य निष्ठा पर गर्दन के कटा दी हा अरे वाह कुछ दिनों के बाद रानी विद्यावती देवी स्वर्गवास हो गईलिन राजा चंद्रसेन दोनों बचपन के गोदी में लेके रोवत हुअन कैसे मास्टर एगो गीत लग गईल बहे के पुरवा रहल बहे के पुरवा रहल बही गईली पछिमा मर सजनावा हो बही गईली शीतल बयान मोर बला मुआ बही गईली शीतल बयान मोर बला मुआ बही गईली शीतल बयान चिंता जाता वाला से घटल शरीर धरी धीर राजा रउआ न होई न अधीर धरी धीर राजा बाबू आखिरकार में एहर समझावे लगलन मंत्रीगण के राजा काहे बदे चिंता कैले हुआ ई चिंता करबा त शरीरिया घटी चला राजा चला बल्कि चलल जाए कहे शिकार खेले ताकि आपका मनवा बहल जाए मंत्रियों के कहने पर राजा चंद्रसेन चल दिए शिकार खेलने
वह शिकार खेलते खलते बहुत दूर चले जाते हैं। ये अपने राज से दूसरे राज में चले गए तो दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये बाबू आखिरकार में जब खबर सुने हैं कि हमारे राज में कोई राजा आया है तो जाते हैं। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा चंद्रसेन के लिए आके इलन अपने महल में, बड़ी प्यार से समझौलन बुझौलन, लेकिन राजा चंद्रसेन उदास होके बैठल बाड़न। मंत्रीगण हंसत बा, बतियावत बा, बोलत बा। राजा चंद्रसेन की उदास देखकर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह पूछ बैठे कि हे राजा, क्या उदास बैठे हैं, क्या बात है? राजा चंद्रसेन कलन के, ये राजा, हमार रानी विद्यावती देवी स्वर्गवास हो गईलिन, हमार दुई बचवा बालन, उ लोगन के पालन पोषण के करिए ही का चिंता बा। राजा चंद्रसेन की उदासी देखकर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी एक लौती बेटी चंदा की शादी राजा चंद्रसेन से कर दिए। क्यों कर दिए? धन के लालच में। आखिरकार में लहुरी रानी ले के राजा चंद्रसेन दूसरे राज से अइलन, अपने राज में अपने घरे अइलन हाँ। समझा बुझा के दोनों बचपन के घरे करके राजा चंद्रसेन कभी कदा घरे रुके नहीं तो चल जाए शिकार खेले। समझा बुझा के चल गए शिकार खेले तो हर भैल का मास्टर एगो गीत लग गए। कोनो बिरहिन कहत बा, बिरह में जल जले वही अभागिन है। अरे गवना कराई पिया घरे बैठमला, अरे अपने कोई लरिया में लागल रे, निरमोही दगा दे के आई भागल रे। आखिरकार में बाबूजी एहर भैल का दोनों बचवा आपस में बैठ बाल खेलत हुन, घर में लहुरी रानी बैठल बानी, गेंद उड़ के आयल बा, गेंदवा के लेवे खातिर दौड़ के गयल बा बड़का लड़का किशन। तब उस समय महतारी लहुरी माई अपने बेटवा बड़का लड़का किशन को देखकर आकर्षित होकर एक बात कहती है, क्या? अरे बिना खिलाड़ी का खेल नहीं हो ले, अरे बिना खिलाड़ी का खेल नहीं हो ले, अरे मारा तू कै चपही जानी रे, मार छक्का तू बल्ला के हैतानी हो, मार छक्का तू बल्ला के हैतानी हो, मार छक्का तू बल्ला के हैतानी हो, मार छक्का तू बल्ला के। ए बाबू आखिरकार में उचंदा देवी लहुरी रानी जाके अपने बड़का लड़का किशन के बाह में पकड़ लेती है। हम बिस्तर होना चाहती है छोड़ा करके किशन दौड़ के कदमा, माई तू का कहती हो माई, ई हमसे ना होई माई। ए बाबू चंदा देवी लहुरी माई कहतबा, ये किशन हमरे बतिया के नाम मन बत, हम तुहके भार में झुकवा देव। किशन कलन की माई, चाहे भार में झुकवा दा चाहे बूटी बूटी कटवा दा, ई हमसे ना होई माई। आखिरकार में तब तक बाबू राजा चंद्र से शिकार खेल के आ गई। झूठ ही लहुरी रानी नखरा फैलावत बा पोक भवन में जाके राजा से कतवा, ये राजा हमके ब्याह करके तू अपने बदली आयल हुआ कि अपने बड़का लड़का बदली आयल हुआ, तू चली गर हला राजा, तो हा लड़का बड़का आए कि हमरे साथ में बरियारी करत रहल। ये बाबू इतनी बात सुनकर राजा चंद्रसेन अपने लहुरी रानी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, बोलते हैं, बताओ रानी जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो बताओ, मैं अपने बेटा को देने के लिए तैयार हूँ। तब बाबू यह लहुरी रानी सजा बोलती बा के बाबू, जब तक राजा अपने बड़का लड़का दोनों का आँख दोनों आँख निकलवा के ना दे दे बा राजा, तब तक राजा खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ त्याग दूंगी। जल्लादों की आदेश दे दिए राजा चंद्रसेन, किशन नन्हा मुन्हा बालक के पकड़ के ले गईलन है जंगलवा में, पटक के छतिया पे चढ़ बैठलन, रामपुरी चाकू निकाल के जल्लाद किशन का यखिया निकाले जात बड़न। उसमें जंगलवा में किशन जल्लादन से रोई रोई के एक बात कहत बा, का कहत बा मास्टर? माई कहली बेटी नियर बियाह माई कहली बेटी नियर बियाह बे हो बपई का लन बड़ी दूर
रोवत बा जल्लादन के पलना पकड़ के पलना पकड़ के रोवे लागल लालानावा हो पलना पकड़ के रोवे लागल लालानावा हो ले लेता याला रे चिंता नहीं हवे चाचा निसर ले कया खिया अरे कैसे के मांगम चाचा घूमी घूमी भिखिया सुन के किसन के बतिया बह गईली छातिया सुन के किसन के बतिया बह गईली छातिया ले लेता याला रे पराना ए बाबू रोवे लगल पंगुआ पकड़ के किसन जंगलवा में ए बाबू पहले हमार परनवा लेला तब यखिया निकाला हमें यखिया का चिंता ना बा परनवा निकाल ले बाबू तो हम भिखियो माय ले लायक न रह जाई ए बाबू आखिरकार में जल्लादन के रहम आ गई जल्लाद किसन को वहीं जंगल में छोड़ दिए जाओ बेटा यहाँ से दूर चले जाना नहीं तो राजा रानी को पता चलेगा तो हम ही लोग डांट खाएंगे मारे जाएंगे जल्लाद किसन को छोड़ दिए एक हिरण को मार के ओकर दोनों आँख निकाल के ली अलन लहुरी रानी के दे दिलन ला रानी तोहरे बड़का लड़का किसन के दोनों आँख है अखिया देखते लहुरी रानी बड़ा प्रफुल्लित बाड़िन तब तक एहर ए बाबू वह जंगलवा में से भटकत भटकत ये किसन पहुँच गईलन दूसरे राज में दूसरे राज के जंगल में एक झाड़ी में बेहोश होके पड़ल वड़न जब दूसरे राज का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह शिकार खेलते खेलते गईलन हा देखलन हा किसन के गोदिया में उठा के ली अलन अपने घरे ए बाबू मालिक की मर्जी वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के भगवान एक को लड़का ना दिले रहलन एक लड़की दिए थे चंदा देवी जो कि शादी किए थे राजा चंद्रसेन से वहीं राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने उस महल में खुशी की बधाई बजवाते हैं राजा के घर बजने लगी बधाई राजा बन गई ले अब किसन के दहले राजा ब्याह करवाई राजा बन गई ले राजा बन के राजा चलावे किसन मनवा मारी हो तबले एगो राज महल में घटना घटल करारी हो रानी जी का गईली हार चोराई राजा बन गई ले अब राजा दहला डुगुडुया पिटवाई राजा बन गई ले ए बाबू अपन बेटवा मान के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ब्याह कह दिलन इतना तक कि राजपाट सब कुछ सौंप दिए किसन को किसन राजा बन के राज चलावे लगलन किसन राजा के राज में एगो घटना घट गई कि किसन के रानी का हार चोरी हो गए तब राजा किसन कैलन का अपने राज में अपने जिला क्षेत्र में डुगडुया पिटवा दिए आए चोर जो रानी का हार चुराया होगा अगर वो पकड़ा गया तो उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाएगी यह बतिया ऐलान कह दिलन राजा किसन अपने राज में ये बाबू छोटका भैया कन्हैया ये अपने राज में अपने जिला में रोई रोई के घूम घूम के बड़का भैया के खोजत बा कैसे अलग भा मास्टर अरे धन्य ओ विधान धन्य विधि का लिखन आए बाबू गईले कन्हैया भैया बिना पगला एक राज गईला दूसर राज गईला बाबू तीसरे में गईले का नैया पकड़ा ये बाबू खोजत खोजत भैया के पहुँचलन है दूसरे राज में तीसरे राज में जब पहुँचलन ये बाबू कन्हैया सिपाही रात के समय बा चोर चोर हल्ला कह के कन्हैया के बाबू दी दोनों हथवा काट के लिए लन राजा किशन के सामने ला राजा यह चोर है यह रानी का हार चोरौले बा आखिरकार में राजा किशन
ओ कन्हैया के फांसी पे चढ़ा के पूछा थोन के, ए चोर बताओ तुम्हारी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है। तो कन्हैया रोए के अपन इच्छा बतावत बा, टुकुर टुकुर ताकत बा, फांसी के समय हो गई बा, पहचानत बा कि हे हमार बड़का भैया हुअन, लेकिन बड़का भैया राजा किशन ना पहचानत हुअन। रोए के कन्हैया कहत बा का, अरे राजा सेना चाली सेना जोरी बिराना, अपने हाथ खींचा फांसिया का डोरी बिराना, कीचड़ में हेरा हीरा गैली हम पाई, अब ना ही जियाले का भूखा हुए भाई, हम ना कैली भौजी का चोरी बिराना। रोई रोई के कन्हैया कतबा, ए भैया ए राजा हमार अंतिम इच्छा ये बा कि हमरे फांसी का डोरी तू अपने हाथे से खींच दा, और भैया हम भौजी का चोरी ना कैले हैं भैया, ये तरी बतिया ये बाबू पहचान गैलन राजा किशन, दौड़ी के गैलन फांसी का डोरी हटा के, हथवा से हथवा गरवा से गरवा मिला के, हाय किशन हाय कन्हैया रोए लगलन। तो बाबू जी बाहरे भाई भाई मिले तो कन्हैया जैसन, और महतारी जे के मिले ऐसन कुलंछनी मैं भा महतारी कोई के ना मिले। गुरुदिल मोहम्मद राम से शिवदान की बानी, कथन करे कवि हरिद्वार संगमिका जी ज्ञानी, अरे मोरे राम माई बिन के हई ओढ़ाई अचरा, अरे माई बिन के ओढ़ाई अचरा, गावे सरोज सरगम बेच करे कविताई, माई बिन के ओढ़ाई अचरा, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज सरगम के, बड़ा भिना के करुण रस का गीत सुनौली हमके, बहुत अच्छा लगल। रुआ सब भी बैठ के सुनता नहीं, जब हमके अच्छा लगल तो रुआ सबके भी बहुत अच्छा लगल हुई। अब जज साहब के यहाँ पेशी हुई तो दोनों कलाकार लोग जब अपन अपन गाना गा लिया तब पेशी हुई। एकरा पहले रानी साथियों, त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे, एक दर्दनाक मंजर है हमारे हिंदुस्तान के उस मध्यकालीन इतिहास की गाथा, भूमिका में चार्लिन भाव कवि जी झलमण। सच्चा सेवक जी स्वर्गीय राम साथ बतावें, विरह में तीन बात, पानी के लकीर, बालू पर लकीर, पत्थर पर लकीर, हे भोजपुरी के देवता, ई ऐसन महान भाषा बा जेकर गहराई के कोई थाह ना लगवलस, तो ऐसन लकीर हम बतावत ही संक्षेप में, जौन खंड खंड हो जा कभी टूटबे न केरी। राजा विक्रमादित्य रहले होनहार देवता, जनता के पोषण मन लगा, हर एक घरवा में रोटी और पानी दे, हियरा से स्नेह बरसाए। महाराजा विक्रमादित्य इतना दयालु राजा रहले, अपने प्रजा के बड़ा ध्यान दे। एक दिन रात में कोनो औरत के रुवले का आवाज उनके काने में गई, सोचले कि के हमरे राज में दुखियारी है जो उन्हें जनता के हम पान के पत्ता के तरह फेटी ला, आज उम्मन कहीं कोई में कष्ट है। अपने अंगरक्षक बालक किशोर से कहले, बेटा जा पता लगावा कौन दुखियारी होकर रोवले कवाज हमारे कान में लग गई। लड़का गयल है बाबूजी करत का हो, तरत लग गया मुन्ना, तर्ज है बाबूजी, लेकिन तर्ज से नेक बात हमारे विरह में लिखल गई बा, हर रोवला ललनवा जरी जरी,
जाके मंदिर में देखा तो काली जी के का देखलस भरन वाला ललनवा झरी झरी बरसेला नयनवा औरत रो था कै औरत क्यों रो रही हो तेरे रोने की आवाज मेरे राजा के कानों में जा रही है कौन से दुखियारी है कह रो थो खेले बेटा हम कोनो दुखियारी ना है ना हमें कोनो कष्ट हो रोवत काहे है सूर्योदय होवे से पहले महाराजा विक्रमादित्य नहीं जीवित रहेंगे इतना जान के बाबूजी बालक सन हो गया कह जब तुम हरण जान लू तो हमरे राजा के जिए के कारण जाना थबू कहे रोवला ललनवा झरी झरी बरसला नयनवा राम राजा कहे स्वर्गे जई है राजा कहे स्वर्गे जई है सोचला सुमनवा चला सुमनवा राजा काहे स्वर्गे जई है हमार राजा मरिए काहे जौन तलवरिया खिचले रहलो बाहर के लड़ बाबूजी तर तेरी में भाव लगल मुना कहना का बा हर मन मंदिर में सन्नाटा छा गया अरे कोमल फूल के दिल में चुभल भी सैला कांटा रो कांटा रो कांटा जानल मरने जब तजिया कैसे जानत होबू कैसे बची है स्वामी मोरी बताई दे जतना बोली देवी जुगती यही रतिया में काली जी के बेटा कुमारा जब चढ़ी है गर्दना ए बेटा आज की रात माँ काली के मंदिर में अगर कोनो कुमार बेटा अपन गर्दन काट के चढ़ा दी है राजा का मोह टल जाई वो लड़का का मोह स्वीकार हो जाई लड़िकवा सोचलस का बाबू हमहूं कुआरा बानी राजा का नमक खैली फद पे चुकाई अपन चल के घर दनावा हमरे जैसन सेवक त हजार मिली है दुनिया में पर खोजल न राजा ऐसन पैबा जग जानावा आवाज लगा के लड़िकवा चल दलस कहाँ चलत बाबूजी कहाँ पहुँचत हमहू राजा के नमक खेले ही ये बात कोई जनते ना हो अगर राजा के मौत हो जाए के करे द्वार पजाब कैसे कहब कि हमरे राजा के जान बचाओ खातिर अपन गोंद के सिंगार दे दा कोई ना दे राजा मर जाए हैं हमार बड़ी तोहिनी होई कि जानत रहल राजा के ना बचा सकल हमरे स्वामी भक्ति हमरे राष्ट्र भक्ति हमरे देश भक्ति पर दाग लग जाई लड़का चल भाव पापट में लगल मुन्ना के फर्ज के ऊपर अरे बदल नहीं मनावा काली मंदिर में अरे आज चढ़ाई बाया अपन हम गर्दनवा काली मंदिर में अरे देखत रहना राजा भर नया नवा काली मंदिर में
चमुंडा बिचई। इतना कह के उल्टा वार कह के तलवार के धार से अपन गर्दन लगा देलस। राजा झाड़ के आड़ में छुप के देखे थे उनके, अरे हमार सेवक हमार दास हमरे खातिर अपन गर्दनवा उतार देलस, तो हमरे जैसे राजा के जियल धिक्कार। मंदिर में तलवार लेके गईले ना जी, हम कैले का बाबू जी अल्लाह के एक लाइन में भाव लगल। हर मंदिर में गईले राज लेके तलवरिया, गर्दन उतार चलले बन के अपन का, प्रकट होके काली छीन ले ली तलवारी। अरे खाली मौत या बना तोहार बदला, अब दे दिया किशोर जीवन तोर बदले, लौट जा महल या तू अपन तट, वही कल के सरनिया में गिर के राजा गनी। अरे जी सुनावे लगना हो के बिहार, नाही बन के अपन काल। माँ मेरे सेवक को जीवित कर दे माँ, तुझे तो मेरे गर्दन की तलाश थी ना। कहे बेटा जितना वफादार वह लड़का था उतना ही वफादार यह राजा है। आकाशवाणी हुई, जा राजन जा, न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। इशारा पाकर राजा प्रणाम किए हैं। माँ काली अपने शक्ति से सर और धड़ के जुड़ली हैं। जिहवा से बाबू बिरहा सुने वाले महुआ चैनल के ओर से विश्व के कोने कोने के लोग जरा विचार करें। जिहवा से अमृत चुआ के लड़कवा के जिंदा के लिए है बाबू जी। कनकना के लड़का खड़ा भल है, राजा साहब के जाए के प्रणाम कहता और कहलस का आखिरी खड़ी में बात लगे लाल। स्वामी से कहला रे बेटा आ गईला तू, झड़िया के आड़ से सारी बात सुन ले हुआ, लेकिन आखिरी में कहना कि बेटा आ गईला। कह हाँ स्वामी। कहे कौन औरत रोत रहल है? कहे कोई ना रोत रहे, सांस पतों के झगड़ा रहल हो के सलझा क्या उठी आ है बतौलस का लड़कवा। स्वामी से सेवक झूठा के बोला, बालक किशोर एक सास थी बहु कुमारी, घर के कलश विचलित होकर रोती थी वह प्यारी। स्थान से पहुंचा वाली भावना, कहे ना बेटा ये बात ना रहल, हमारे बदले में तो अपन गर्दन उतरले रहला, झाड़ के आड़ से छुप के देखत रहली। अरे उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाहें पान हो आंखें, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, हर वक्त पे इंसान की पहचान है आंखें। खून का तिलक लगा करके राज सिंहासन पर बैठा दिए, कहानी समाप्त हुई। कहना हुआ खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु गणेश नंदन राम जियावन सुरक्षधारे गुरु रामधारी विमल ज्ञान दे। अरे मन मंदिर में सन्नाटा छा गया, मनु राम चरण मिल प्रेम का बाहुर माता। मन मंदिर में सन्नाटा छा गया, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रानी जी सबकर आंख हो गई पानी पानी जी। डॉक्टर मन्नू लाल यादव जी करुण रस के रस में इतना घोल देलन कि सचमुच एक स्वामी भक्ति का गीत सुन के तबीयत एकदम प्रसन्नचित हो गई। अब हम तो बहुत खुशमानी बड़ा बढ़िया लगल है, रउआ सबके भी बहुत अच्छा लगल हुई।
के बाद एक बार फिर से रहुआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के वो कार्यक्रम में जोने कार्यक्रम का नाम बा के बा सिपाही के बा चोर केकरा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रहुआ देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। अब रहुआ सब सोचत होखत कि जल्दी जज साहब लोग के पास ये लोग के पेश कर जा प्रस्तुत कर जा ठीक बा। तो सबसे पहले हम ले चलतनी बागी घराना का गायिका सरोज सरगम जी के। तो विद्रोही घराना के जज साहब से हम पूछल चाहतनी कि सरोज सरगम कैसन गौली है। बहुत बहुत बढ़िया गाई है लड़की गाना, क्या बात है। करुण रस के गाना में इले की दिल के झकझोर देहलस रही ना गई आंख से आंसू आ गई। बहुत बढ़िया लड़की बिरहा गाई है। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बागी घराना के सरदार परशुराम यादव जी से सुनल चाहत बानी रउवा ये कैसन लागल। विशेषता देखल गई सरोज सरगम में कि करुण रस के गीत के साथ साथ स्वयं में ये करुण रस बाड़ी बहुत बढ़िया है। तब बागी घराना और विद्रोही घराना के दोनों जज साहब अपन अपन लोग विचार अपन अपन लोग फैसला सुना दिया। अब निष्पक्ष जज के कुर्सी पर विराजमान प्यारे लाल कवि जी से हम जानल चाहतनी कि सरोज सरगम के गाना रुआ के कैसन लागल है। सरोज सरगम का गाना भाव भंगिमा में ये लड़की का एक पॉइंट ऐसा कलेजा में घुसल है कि माई छोड़ दे या बाबू छोड़ दा अखिया निकाल लेवा तो हम भिखियो मांगल रखना रहा। अरे वाह। उस वक्त इसने आंख मुदा थोड़ा सा है और जो आंचल फैलाई है ये यदा कि हम कायल हो गए हैं विजयला। बहुत बहुत धन्यवाद है इसका। अब जनता जनार्दन और भगवान रुआ सब पानी जनता जनार्दन की अदालत में हम चलता नहीं देखी कि सरोज सरगम के प्रति रुआ सबका क्या प्यार और क्या रुझान बा स्क्रीन पर। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तरानी जी अब पारी आ गई बा विद्रोही घराना का कलाकार डॉक्टर साहब। सबसे पहले बागी घराना के सरदार परशुराम यादव जी से जानल चाहता नहीं डॉक्टर मन्नू लाल यादव जी का गीत रहुआ के कैसन लगल हो बताएं। डॉक्टर मन्नू लाल यादव जी का गीत सराहनीय रहल बहुत बढ़िया रहल और सुनवैया के भी करुण रस से सराबोर कह दहलन अपनी गीत से सुनवैया भी करुणा के भाव में डूब गईलन। ऐसे बढ़िया और का कहल जा सकेला। विद्रोही घराने के सरदार सुरेंद्र जी बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया भी रहा रहल करुण रस के समावेश रहल। तो दोनों घराना मन्नू लाल यादव जी के अपन आशीर्वचन सुनौलस फैसला सुनौलस बीच में निष्पक्ष जज के कुर्सी पर विराजमान प्यारे लाल कवि जी से हम निहोरा करता नहीं। रुआ बताई डॉक्टर साहब मन्नू लाल यादव जी का गीत रुआ कैसन लगल। डॉक्टर मन्नू लाल का बिरहा शेर के पहला शब्द से शुरू भइल है करुण लेके आ छापा के अंतिम शब्द तक करुण 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 ही चलल। केहू करुण में छिरकला बाकी करुण में गोत के निकाल लेला। तो ये देखिए हमारा तीनों जज साहब लोगों के फैसला आ गई जनता जनार्दन के दरबार में अपना भगवान स्वरूप जनता के दरबार में चलब हम डॉक्टर साहब मन्नू लाल जी के लेके स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज के एपिसोड में बस इतना। अगले एपिसोड में नए सुर के साथ रहुआ सबसे फिर मिलल जाई। तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद शुभरात्रि सब्बा खैर यो। ऐसन संगीत गीत के का बजोर ऐसन संगीत गीत के का बजोर।